नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स और ये मूवी आपको किस ओ टी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं अभिनेता वरुण मित्रा और कनिका मान ने हाल ही में अपना अगली फिल्म रक्षक इंडियन के बारे में बात की है फिल्म एक एक तीन भाग की 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 गाथा है है जो युवा भारतीय सैनिक लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह वास्तविक जीवन कहानी पर आधारित जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर अंतरराष्ट्रीय हमले के दौरान तीन से अधिक के गैर नागरिकों को बचाने के लिए वीरतापूर्वक अपनी जान दे दी थी वरुण मित्रा ने कहा कि यह फिल्म भारत की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले सभी सैनिकों का एक श्रद्धांजलि है जो नागरिकों के स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके बलिदान को उजागर करते हैं वह वास्तविक जीवन के युद्ध नायक का किरदार निभाया एक बहुत गरीब चुनौती और एक बड़ा सम्मान मानते हैं और ऐसी भूमिका के साथ उन्हें आने वाले दबाव और जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करते हैं कनिका मान के भारतीय सेना और सैनिकों के परिवारों के प्रति गहरी कृतज्ञता प्यार करते हुए इसी तरह की भावना व्यक्त की उन्होंने बताया कि कैसे रक्षक इंडिया लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमले की आसपास की घटनाओं पर भावनाओं को उजागर करते हैं उन्होंने इस बात पर और जोर दिया कि फिल्म एक सच्ची कहानी का यथार्थवादी चित्रण है और उन्होंने एक सामूहिक प्रदर्शन देने के लिए अपना दिल लगा दिया वो उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की स्वीकार करते हैं जो एक वास्तविक व्यक्ति के चित्रण करने के साथ आती है और अपने चरित्रों के प्रति समर्थन भावना ईमानदार रहने का प्रभास किया है रक्षक इंडियन एम्ब्रेव आपको विशिष्ट तो। एक्शन फिल्म है ये दिन भाग की फिल्म है ये कि युवा भारतीय सैनिक लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह की सच्ची कहानी पर गहराई से डालते है। जिनकी ने बलिदान के अर्थ को फिर से परिभाषित किया फिल्म दर्शकों को जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुई एक खतरनाक घटना की याद दिलाते जहाँ एक आतंकवादी हमले में सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डाल दिया था लेफ्टिनेंट सिंह ने अटूट साहस के साथ आग की लाइन में कदम रखा और तीन से अधिक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जान दे दी है रक्षक भारत ने बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है आपार बलिदान के बारे में सिंह के, के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्र बलि के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्रों को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व तो वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता था। कुलकर्णी और मीनाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन फ्रोज की फिल्म श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार सहतारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रविश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार क्या हमेशा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें हमारा के साथ संकेत थे कोबारा ने अपना मला शुरू किया रेल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया अमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपनी फाइव फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइड संचार की माध्यम से हमला किया। को उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेयंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खंभे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड मिनिच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम एस ग्रेनेट के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्दास फंस लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खाली जगह पर जा रही थी गोलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरिलेस खुशी की धारते हुए आंख की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के पोकिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला खींचता उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जैसे ही ड्रोन्स क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था इन रोन सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहर्ते गली गबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक जिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो ओली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और डड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए थोड़ी कर गई ड्रोन चिचकहा उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा प्रकर तो को बड़ी से उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने ते देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफी की मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाष के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए मार्ग की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता कुलकर्णी और मिलाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन कुछ है गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन की फिल्म श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर तो पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने सिक्स

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजाड़ परित्यक्त सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झुंझकर अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें। हमारा के साथ संकेत थे कोबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंध ने लग गया हमारा के पीछे गया पलप राइफल सेटिंग यंत्र रिपोर्ट प्रतिक्रिया करने सह पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइड संचार की माध्यम से हमला किया। को उनकी तेज आवाज़ गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हैं वो एक मोटे धातु के हम्बे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीनगन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड मिनेच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चारों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम ग्रेनेड के साथ उन्हें बाहर निकाल लिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरिलेश से खुशी के धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के पोकिया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुई विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें उनकी होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर फिंचने के लिए मौत लगाया था एंड्रॉन ग्रीनट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंच पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक आप्रोताहित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में कहराते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए थोड़ी तो कि ड्रोन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा प्रखराते हुए को बड़ी कंठ भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया आपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाषत के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए की याद दिलाने का वादा करते हैं रक्षा इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व तो वरुण मित्र के रूप में जो सैंग लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मृाल ठाकुर कुलकर्णी और मीनाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच तो पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना है रखना महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन कुछ है गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन की फिल्म श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंधले हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ट की हैलबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन्म, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मेजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश धूम की तपी हुई त्वचा तो और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दीढ़ व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार क्या हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे थे कुबारा ने अपना हमला शुरू किया रेल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में ने लग गया अमारा के पीछे गया पर राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपने अश्लष्ट फाइफलों के बिना के गर्जन करती हुई एक साइज संचार के माध्यम से हमला किया खड़तीस में उनकी तेज आवाज़ गूंज रही थी हमला व्यतीत कुर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार रिफाइलों के भवन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया ने पड़ा, रेयंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हुए धातु के खम्बे के पीछे घूमते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेजच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आँख नीचे ली और जबकि सिंह ने चौरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम ग्रेनेड के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गोलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और खुशी की धारते हुए की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के पोक किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक से हवा निकल गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों की बिछर छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जैसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खिंचने के लिए मौत लगाया था निरोन गिरनोट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थायी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए थोड़ी तो के डॉन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ के टूट गया था हमारा प्रखात को बड़ी से उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की निर्णायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्र के अटूट समर्पण के लिए की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्रों को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्र की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मिलल कुलकर्णी और मीनाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच तो पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से करते हैं यह याद है रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक इंडियन फ्रोज की के फिल्म श्रृंखला के नहीं है रक्षक इंडियन केवल भावनात्मक स्तर के पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ट की गड़गड़ाहट गर के प्रति जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त की खराब परिसर उजाड़ परित्यक्त सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मलेशिया का नया अड्डा था जो हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दियो व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक मंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करे अमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया अमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपनी फाइव फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइड संचार की माध्यम से हमला किया। को में उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कुर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार रिफाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हैं वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड ज होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चारों ओर चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम के साथ उन्हें बाहर निकाल लिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गोलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और से खुशी के धारते हुए आंख की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण का आवरण के उपयोग किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिका प्रतलता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों की बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जैसे ही ड्रोन्स क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था इन रोन सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक जिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो वोलियो और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए थोड़ी कर गई ड्रोन चिचकिला उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा प्रकर को बड़ी उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया

कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता ठाकुर कुलकर्णी और मिलाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय मिद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन प्रोज के ए फिल्म की श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने सिक्स

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन, उन्मुक्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजाड़ परित्यक्त के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झुंझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट धूम की तफी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया अमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइड संचार के माध्यम से हमला किया। को उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेयंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेजच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आईएमएससी एम के साथ उन्हें बाहर निकाल लिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्दास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गोलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और खुशी की धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुई अभी स्पोर्ट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें लंब मिलवे उनकी भर्जर होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झीजता उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर नीचे हो गया था लेकिन राहत अकल्पनीय थी नवनिर्मित गाटन से एक चिकित्सा पूर्ति ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर फिंचने के लिए मौत लगाया था एनरोन ग्रेनोट सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एनरोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंच पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी तय डॉन ड्रोन चिचकता उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा हिंस को बड़ी उसके टकरा कर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफी की मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की निर्णायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाष के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि है भारतीयों सशस्त्र सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मिलान ठाकुर कुलकर्णी और मिलाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी तो विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है, रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन के फिल्म की श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर तो पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल्क बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान ढूंढ हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता जेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट सर्जन धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें। हमारा के साथ संकेत थे कोबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंध ने लग गया अमारा के पीछे गया पलप राइफल सेटिंग यंत्र ने रिपोर्ट प्रतिक्रिया करने सह पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिनाश के गर्जन करती हुई एक साइड संचार के माध्यम से हमला किया। को उनकी तेज आवाज़ गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के बिछाड़ शुरू हो गई सार्वजन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेयंस ने नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेज होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चौरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम ग्रेनेड के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गोलियां उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और से खुशी की धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण का आवरण के उपयोग किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झीज था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिका प्रतलता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछर छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जैसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था एनरोन ग्रिनोट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अपरिताहित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थायी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी तो कर उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा को बड़ी उसके कंठकरा कर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत ने बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की निर्णायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा आप बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेट सिंह के के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि सशस्त्र के अटूट समर्पण के लिए की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मिलल कुलकर्णी और मिलान चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच तो पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक इंडियन फ्रोज की के श्रृंखला के नहीं है रक्षक इंडियन केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ट की गड़गड़ाहट गर के प्रति जवाबी हमला के नीचे दाने की खराब परिसर उत्यक्ष के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मलेशिया का नया अड्डा था जो हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता जेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार क्या हमेशा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करे अमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंध ने लग गया अमारा के पीछे गया पलप राइफल सेटिंग यंत्र रिपोर्ट प्रतिक्रिया करने सह पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइज संचार के माध्यम से हमला किया। को उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कुर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेजच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम एससी के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरीले से खुशी के धारते हुए आंख की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झीज था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिका प्रतलता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछर छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था एनरोन ग्रेनोट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान की नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो वोलियो और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए थोड़ी कर गई ड्रोन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा प्रकर को बड़ी उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया है। आपार बलिदान के बारे में है। ये फिल्म सिंह के के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए मार्ग की याद दिलाने का वादा करते हैं रक्षा इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व तो वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता ठाकुर कुलकर्णी और मिलल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान ढूंढ ले हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की हैलबुद्ध गरगरहाट के प्रति उन उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे पूरी तक दाने की खराब परिसर उजार परि के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये एनएटी मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मेजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झुंझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दीढ़ व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार क्या हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे के एक हथलेलियर का थमथमाता था आओ उसे करे हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रेल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने गया अमारा के पीछे गया संपल्प राइफल सेटिंग यंत्र की रिपोर्ट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपने आस्लाष्ट पाइफलो के बिनास के गर्जन करती हुई एक साइड संचार की माध्यम से हमला किया उन को खररतिस में उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला त्वरित कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही हमला को लगा कि उनकी बलरा भारी एक मुख्य किरदार पाइफलो की भवन के भीतर की गोलियों के बिछाड़ शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने पड़ा नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खम्बे के पीछे घूमते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चौरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया एक अच्छे जोखिम वाला उदास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और से खुशी की आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिका प्रथलिता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों की बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था एनरोन ग्रेनोट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एनरोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था गवराट के कारण उनके गले पर पंच पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थायी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दरी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी तय गई डॉन चिचकता उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा प्रखरा हिंस को बड़ी से उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफी की मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाष के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि है भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व तो वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को उन हुए एक और प्रसिद्ध मोहित चौहान हैं फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता था। कुलकर्णी और मीनाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन कुछ है गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक इंडियन इंडियन के फिल्म की श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ट की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन्म, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार सहतारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता जेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रोवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दीघ्ध व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार क्या हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कॉर्पोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया हमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिनाश के गर्जन करती हुई एक साइड संचार की माध्यम से हमला किया। को में उनकी तेज आवाज़ गूंज रही थी हमला व्यवत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के बिछाड़ शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेयंस ने नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हैं वो एक मोटे धातु के खम्भे के पीछे घूमते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेजच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चारों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम ग्रेनेड के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्दास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गोलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरिलेश से खुशी की धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के उपयोग किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें उनकी होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झींच था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिकका हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछर छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जैसे ही ड्रोन्स क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था नरोन ग्रिनोट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके लोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो वोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी कर गई ड्रोन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा हिंस को बड़ी से उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की निर्णायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा अपार बलिदान के बारे में हैं। के के दक्षिण है। इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार ले त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मिलल कुलकर्णी और मिलल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है, रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक इंडियन की श्रृंखला के के नहीं है रक्षक इंडियन केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर तो पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने सिक्स

शैतान ढूंढल हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गरगरहाट के प्रति उन उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे पूरी तक दाने की खराब परिसर उजार पड़ी के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये एनएटी मिलिशिया का नया अड्डा था जो हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता बजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करे हमारा के साथ संकेत थे कोबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया अमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइड संचार की माध्यम से हमला किया। को में उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खम्बे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुए की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड मिनेच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चारों ओर चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम के साथ उन्हें बाहर निकाल लिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरिलेस खुशी के धारते हुए आंख की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिकित प्रथलता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था एंड्रोन ग्रीनोट सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक आप्रथायित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में कहराते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक जिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो वोलियो और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी तय गई डॉन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा प्रकर को बड़ी से उसके कंठ तक टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने ते देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया आपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाषत के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मिलल कुलकर्णी और मिलाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच तो पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन कुछ है गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन की ए फिल्म श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने सिक्स

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गर्गराहट के प्रति उन, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट सर्जन धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया हमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिनाश के गर्जन करती हुई एक साइज संचार की माध्यम से हमला किया। को उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भवन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हैं वो एक मोटे धातु के खम्बे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारत की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेजच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आईएमएससी एम के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरिलेश से खुशी की धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिका प्रतलता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों की बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खिंचने के लिए मौत लगाया था एंड्रॉन ग्रीनट सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंच पड़ गए थे युद्ध के मैदान पर नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक आप्रताइित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में कहराते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक स्थायी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीछा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी तय तो की ड्रोन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकराव के टूट गया था हमारा को बड़ी से उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने हुए देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक की मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत ने बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की निर्णायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाष के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता के चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध मोहित चौहान हैं फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मृाल कुलकर्णी और मृाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय मित्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं तो अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन के फिल्म की श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल्क बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ट की बुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार सहतारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मेजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रेवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दृढ़ व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कार्पोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हुए आदमी का का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे के एक का थम थमाता था। आओ इसे करे हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना हमला शुरू किया रेल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लगे हमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने शहर पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपने अश्लष्ट फाइफलों के विनाश के गर्जन करती हुई एक साइज संचार के माध्यम से हमला को में उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कुर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भवन के भीतर की गोलियों के बिछाड़ शुरू हो गई सार्वजनिक वे और खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा झिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हैं वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड ज होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम ग्रेनेड के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और से खुशी की धारते हुए की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण का आवरण के उपयोग किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक विस्फोट से हवा गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें होने लगी हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झेज था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिकाथलिता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन्स क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था एंड्रॉन ग्रेनेट सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पर नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रतायित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में कहराते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थायी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो वोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम तो के गुरगुराते हुए थोड़ी दूरी डॉन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ के टूट गया था हमारा प्रखरा हिंस को बड़ी उसके कंठकरा कर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने उन कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत ने बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया के आपार बलिदान के बारे में यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाष के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्र बलि के अटूट समर्पण के लिए की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों की ने तो बरुन के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो सैंक लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता था। मिलाल कुलकर्णी और मिलाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन कुछ है गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन के ए फिल्म की श्रृंखला नहीं है प्रेस केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने सिक्स

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन, उन्म। उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलिशिया का नया अड्डा था जो हथियार हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता जेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झुंझकर अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दृढ़ व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमकती थी कॉरपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करे हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना हमला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया हमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो के था। और अपनी के के गर्जन करते में उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला अतीत क्र और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा की उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार रिफाइलों के भवन के भीतर की गोलियों के बिछा शुरू हो गई सार्जन रवेश और खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा झिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उमर पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड मिनेच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम एस के साथ उन्हें बाहर निकाल लिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उदास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खाली जगह पर जा रही थी गोलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरिलेस से खुशी की धारते हुए आंख की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के पोकिया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुई विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें लम होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झीज था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था एंड्रोन ग्रीनट सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पर नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रताहित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में कहराते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा धरते गली गबरहाट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक जिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और डड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने बोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी तय डॉन ड्रोन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा प्रखरा हिंस को बड़ी टकरा कर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने थे वे देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाष के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता ठाकुर कुलकर्णी और मृतल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं यह याद है, रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक इंडियन की श्रृंखला के के नहीं है रक्षक इंडियन प्रेस केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर तो पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने सिक्स

शैतान ढूंढल हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लय बुद्ध गरगरहाट के प्रति उन उन्नत जवाबी हमला के नीचे पूरी तक की खराब परिसर उजार पड़ी के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि यह एनएटीड मिलिशिया मकानिया अड्डा था जो हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट सर्जन धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया अमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिनाश के गर्जन करती हुई एक साइज संचार के माध्यम से हमला किया। को उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी एक मुख्य किरदार फाइलों के भवन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के हम्बे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेजच होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चौड़ों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम के साथ उन्हें बाहर निकाल लिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्दास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और खुशी की धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुए विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें बहजाश होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों की बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था नरोन ग्रिनोट सिंह वो शोक की चिल्लाई और उनके लोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी तय गई डॉन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा को बड़ी उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक की मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत ने बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशास के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्र बलि के अटूट समर्पण के लिए मार्मिक याद दिलाने का वादा करते हैं रक्षा इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो सैंग लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्र की विशिष्टताएं गुप्त हैं इस साजिश को उन बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मीनाल कुलकर्णी और मीनाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच तो पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से करते हैं याद है, रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन की फिल्म श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ट की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार सहतारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झूझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार क्या हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें हमारा के साथ संकेत थे कोबारा ने अपना मला शुरू किया रेल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंध ने लग गया अमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइड संचार की माध्यम से हमला किया को उसते समय उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्वजन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेयंस ने नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हैं वो एक मोटे धातु के खंभे के पीछे घूमते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड नेज होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम ग्रेनेड के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्दास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी मरिलेस खुशी की धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के उपयोग किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुआ विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें उनकी होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिका प्रथलिता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खिंचने के लिए मौत लगाया था एनरोन ग्रेनोट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एनरोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह क्यों नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो वोली और मेलबो वो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए थोड़ी कर गई ड्रोन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा हिंस को बड़ी से उसके कंठ टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की निर्णायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया किए अपार बलिदान के बारे में है ये फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशारसत के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीयों सशस्त्र मूल्य के अटूट समर्पण के लिए स्मारमी की याद दिलाने का वादा करते हैं रक्षा इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो सैंक लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता मिलाल कुलकर्णी और मिलाल चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय विद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच तो पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन कुछ है गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन के ए फिल्म की श्रृंखला नहीं है प्रेस केवल भावनात्मक स्तर के पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने सिक्स

शैतान ढूंढ ले हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लय बुद्ध गर के प्रति उन उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे पूरी तक दाने की खराब परिसर उजार पड़ी के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये एनटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता जेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झुंझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कारपोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक भंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करें हमारा के साथ संकेत थे कोबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लो गया अमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग यंत्र विस्फोट प्रतिक्रिया करने सहित पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार्ग गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के बिजनेस के गर्जन करती हुई एक साइड संचार के माध्यम से हमला किया। को में उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला व्यतीत कूर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भावन के भीतर की गोलियों के विचार शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा ढिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नज़रअंदाज करते हैं वो एक मोटे धातु के हम्बे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चारों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया अच्छे जोखिम वाला उद्दास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी और से खुशी की धंधारते हुए आंख की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुई विस्फोट से हवा गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें होने हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला था उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर हो गया था लेकिन राहत अकल्पनिक थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिका प्रथलिता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जैसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर फिंचने के लिए मौत लगाया था एंड्रोन ग्रेनेट सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पर नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रतायित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में कहराते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली घबराहट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए थोड़ी तो की ड्रोन चिचका उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकारों के टूट गया था हमारा को बड़ी उसके टकरा कर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक एफीकी मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत में बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा किया आपार बलिदान के बारे में है। ये फिल्म लेप्टियन सिंह के विशाष के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता की चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व तो वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की गुप्त हैं इससे हुए भूमिका का, का गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय मिद्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट तो भूमिकाएं अज्ञात है वे हम्भावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच तो पकड़े गए निगरानी को यहाँ तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन की फिल्म श्रृंखला नहीं है फ्रेश केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहाँ उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ड की लयबुद्ध गड़गड़ाहट गर के प्रति उन्म, उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे परित्यक्त दाने की खराब परिसर उजार परित्यक्त सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मलेशिया का नया अड्डा था जो हथियार हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता मेजेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झुझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दीढ़ व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमक थी कार्पोरेट सिंह आमतौर पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे के के एक का था। आओ उसे करे। हमारा साथ संकेत थे। कुबारा ने अपना हमला शुरू किया रेल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवंत रूप में धुंधने लग गया हमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग नियंत्रित विस्फोट प्रतिक्रिया करने शहर पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपने गर्जन करती हुई एक साइड संचार के माध्यम से हमला किया उसन को उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला अतीत कुर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भवन के भीतर की गोलियों के बिछा शुरू हो गई सार्जन रवेश खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा झिल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी, नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड ज होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चोरों और चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम के साथ उन्हें बाहर निकाल दिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्धास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गोलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी से खुशी की धारते हुए आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक अह हुआ विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से है इमारत हिल गई जिसमें लम मिलवे उनकी भजार होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झझता उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर नीच हो गया था लेकिन राहत अकल्पनीय थी नवनिर्मित ढाटन से एक जिसका पूर्तिता ड्रेन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछर छोड़ दी उन पर आग और रोस की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर खींचने के लिए मौत लगाया था नरोन ग्रिनोट सिंह वो शौक को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उनके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पे नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रत्याशित कोण पर मुड़ी हुई थी उसके दर्द में करहाते हुए उसका सिर पकड़ लिया था नहीं हमारा दहाड़ते गली गबरहाट की जगह क्रोध आ गया वो उन्हें निराशा नहीं कर सकी रियम नहीं सिंह नहीं आज नहीं धातु का एक दिल्लो टुकड़ा छोड़कर आराम से उसे पकड़ लिया था और एक अस्थाई ढाल के रूप में इस्तेमाल किया वो गोली और मेलबो की चढ़ीचा हुई ड्रेन की और दड़ी ये सबसे चतुर योजना नहीं थी लेकिन इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था ड्रोन खतरनाक तरीके से घूम रहा था लहजे पर उसे लाल रंग से रंग दिया उसने गोली चली जिसमें वो एक बाल की दूरी से गायब हो गई अमारा ने दौड़ते समय परिश्रम के गुरगुराते हुए दूरी के गई ड्रोन चिचक उसके लापरवाह आरोप से घबरा गया और ये उसका मौका था युद्ध के सम्राटा छा गया था जो केवल घायलों की के तेज फांसा हुआ टकरों के टूट गया था हमारा हुए तो हिंस को बड़ी से उसके कंठ तक टकर भारी थी जब उसने उसकी छाती को उठने और गिरने देखा तो उसने राहत मिली तुम पागल औरत हो सिंह ने देरा स्वर को कहा उसने कंठों पर एक की मुस्कान तैर रही थी सोचा कि तुम एक मूर्ख हो रक्षक भारत ने बहादुर केवल कार्यवाही के बारे में नहीं है ये वास्तविक जीवन की नायकों के गहरे प्रभाव अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए उनको द्वारा अपार बलिदान के बारे में है यह फिल्म लेफ्टिनेंट सिंह के विशाषत के लिए शक्तिशाली श्रद्धांजलि भारतीय सशस्त्री के अटूट समर्पण के लिए स्मार्मी की याद दिलाने का वादा करते हैं दक्षिण इंडियन एक्सप्रेस के कलाकार लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह और भारतीय सशस्त्र बलों के चित्रण करने के लिए अभिनेताओं की एक प्रभावशाली समुद्र को एक साथ लाते हैं कलाकारों के नेतृत्व वरुण मित्र के रूप में जो स्वयं लेफ्टिनेंट सिंह की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हैं कनिका मान एक महत्वपूर्ण भूमिका में कलाकारों को शामिल हो गई है हालांकि उनके चित्रण की विशेषताएं गुप्त हैं इस साजिश को बढ़ते हुए एक और प्रसिद्ध अभिनाव मोहित चौहान हैं जिनकी फिल्म भूमिका का अभी खुलासा नहीं किया है अनुभवी अभिनेता था। मृाल ठा कुलकर्णी और मिलान चंद्र अपने अनुभव और गहराई से कहानी को जीवंत बनाते हैं इस समूह में अक्षय मित्रा रामकृष्ण दीक्षित उमर शरीफ और अन्य कलाकार शामिल है हालांकि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं अज्ञात है वे हमभावत लेफ्टिनेंट सिंह के साथ लड़ने वाले साथी सैनिकों हमले के बीच पकड़े गए निगरानी को यहां तक कि उनके बलिदान के प्रभावित परिवार के सदस्यों से चित्रित करते हैं याद है रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन कुछ गलत सूचनाओं के बावजूद रक्षक रक्षक इंडियन इंडियन फ्रोज की फिल्म श्रृंखला नहीं है केवल भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि व्यावसायिक सफलता भी हासिल की कठिन तौर तो पर यह फिल्म दुनिया भर में नाइन प्वाइंट करोड़ का कुल कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इसका प्राथमिक बाजार भारत साबित हुआ जहां उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया घरेलू स्तर पर फिल्म ने

शैतान धुंध हो गए थे उसके दिल में ऊपर फ्लैग हॉक हेलीकॉप्टर बोल्ट की गड़गड़ाहट गर के प्रति उन उन्मत्त जवाबी हमला के नीचे दाने की खराब परिसर उजाड़ परित्यक्त के सामने एक कंकाल जानवर की तरह फैला हुआ था इंटेल ने सुझाव दिया कि ये यूनाइटेड मिलेशिया का नया अड्डा था जो हथियारों का एक आतंकवादी का एक अड्डा था आज हमारा और उसका दस्ता जेट कोबरा उसे नष्ट करने के लिए यहाँ थे हमारा एक जंग लगी आयस को गाड़ी के पीछे झुंझ अपनी पल्स राइफल की जांच कर रही थी उसके बगल में सर्जेंट रेवेश धूम की तपी हुई त्वचा और रेगिस्तान बड़ी जैसी तेज आंखों वाला एक दृढ़ मौजूद व्यक्ति ने अपना चश्मा ठीक किया तैयार कैफ हमेशा हमारा तय उत्तर दिया उसकी भूखी आंखों में एक मजबूर चमकती कॉर्पोरेट सिंह अम पर अपनी दाढ़ी के पीछे छुपे हुए हंसते हुए हंसते हुए आदमी का पहाड़ उसकी छाती पर बंधे हथलेल के एक गोंडोलियर का थमथमाता था आओ इसे करे हमारा के साथ संकेत थे कुबारा ने अपना मला शुरू किया रियल धूल में एक प्रेत ने मोर्चा संभाला उसकी खामोशी सितारों और आग लगा रही थी एक मलेशिया की तलाश चमचमाए उनका जीवन रूप में धुंध ने लग गया हमारा के पीछे गया पल्प राइफल सेटिंग नियंत्रित विस्फोट प्रतिक्रिया करने शहर पहले ही दो सशस्त्र व्यक्तियों के मार गिराया था सिंह और अपनी अश्लष्ट फाइफलों के के गर्जन करती हुई एक साइज संचार के माध्यम से हमला किया को में उनकी तेज आवाज गूंज रही थी हमला अतिरित कुर और कुशल था लेकिन जैसे ही अमरा को लगा कि उनकी पलरा भारी है मुख्य किरदार फाइलों के भवन के भीतर की गोलियों के बिछाड़ शुरू हो गई सार्वजनिक और खड़ा गया उनकी छाती पर एक गहरा लाल धागा झल गया हमारा ने अंडरलाइनर्स उम्र पड़ा रेंस नी नीचे नहीं हो सका अभी तक नहीं अपने फेफड़े में हो रही जलन को नजरअंदाज करते हुए वो एक मोटे धातु के खंबे के पीछे घुपते हुए निकटतम भारतों की एक बड़ी धुएं की धूल के बीच उसने भारी कवच में एक घुड़सवार मशीन गन चलाते हुए एक विशाल आकृति खेली इंटरनेट के अनुसार वो उनका नेता आयरलैंड ज होना चाहिए सिंह उनके पास आया उसका चेहरा उदास था चलो उसे किनारे पर ले आए योजना सरल किस फिर साहसिक थे हमारा ने परियोजना में ध्यान भटका दिया उसकी आंख नीचे ली और जबकि सिंह ने चारों ओर चमक लाया और एक अच्छी तरह से आंखें रखे गए आई एम के साथ उन्हें बाहर निकाल लिया और ये एक अच्छे जोखिम वाला उद्दास फंस के लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था तेज गति के साथ अमारा खली जगह पर जा रही थी गलियों उसके चारों ओर हवा की चुनौतियों पर निकल गई थी से खुशी की धारते हुए की एक ऐसी धारा छोड़ी जिसने उसने अपने सामने जमीन को खड़ी वाली युद्ध क्षेत्र में बदल दिया उसने एक गिरी हुई किरण आवरण के पोक किया उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था सिंह के हमले के लिए उसे करीब आने रामिरेज के पद से हटाने की जरूरत थी अचानक हुआ विस्फोट से हवा निकल गई एक झटके से इमारत हिल गई जिसमें लम मिलवे उनकी भजार होने लगी हंसते हुए हमारे के ऊपर देखा तो कुछ ने एक खुला झीजता उसे राहत मिली उनका हेलीकॉप्टर उन्हित हो गया था लेकिन राहत अकल्पनीय थी नवनिर्मित उद्घाटन से एक चिकित्सा पूर्ति लेता ड्रोन हथियारों से लेंस होकर नीचे आया उसने मिसाइलों के बिछड़ छोड़ दी उन पर आग और रोज की बिखर गई थी जिसे ही ड्रोन से क्षेत्रों के घर लिए आमतौर पर पिछने के लिए मौत लगाया था ड्रोन ग्रेनेट सिंह वो सख को चिल्लाई और उनके रोगों में एंड्रोलाइन से जल रहा था वो कोई जवाब नहीं दे रहा था घबराहट के कारण उसके गले पर पंज पड़ गए थे युद्ध के मैदान पर नजर दौड़ते हुए उसने सिंह को लौटे हुए देखा उसके बाहों एक अप्रतायित कोर